लैंड ग्रैबर्स द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी पर बढ़ते कब्जे के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, उस्मान अल हाजरी, मोहम्मद गौस, पूर्व सांसद अजीज पाशा और अन्य कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए वक्फ प्रॉपर्टी के संरक्षण पर जोर दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने इस संबंध में राज्य की TRS सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हुकूमत में मुसलसिल माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के साथ बिल्कुल सौतेला रवैया अख्तियार कर रही है सरकार। माइनॉरिटीज में फाइनेंस कॉरपोरेशन 1,68,000 दरख्वास्तें आए 3 साल पहले 2016 में, उसको वो लोग इंक्वायरी कर 8,000 फाइनल करे। 8 आदमी का नहीं, अभी बहुत जमा 3 साल के बाद नंबर लगा कि गाड़ियां देने का वो भी मंसूख कर दिए। 3 साल से उर्दू अकाडमी के अवार्ड्स नहीं दिए, इतने बड़े आलिम दीन जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में उतने बड़े आलिम दीन मौलाना राबे नदवी साहब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन का नाम भी अनाउंस हुआ महबूम अवार्ड के लिए, वो भी रोक दिए। क्या 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 हंसी मजाक कर रही है हुकूमत साहब। कांग्रेस बड़े आलिम दीन के साथ कांग्रेस के ज़माने में भी लैंको हिल्स का मसला आज तो पेश आया था, वो भी तो TRS से कम नहीं है ना। हाँ, लैंको हिल्स के बारे में भी आपको बताऊँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लैंको हिल्स मत बोलो, उसको बोलो दरगाह हुसैन शाह वली। वो ज़मीन 1600 एकड़ का दावा वक्फ कर रही है, लेकिन कब करी? वो करी है 2006 में, अप्रैल में 2006 में करी। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने 725 एकड़ ज़मीन उन्होंने जैसा ISB है सो अलाट करे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कोई ज़मीन अलाट नहीं करेंगे, ऑक्शन करेंगे। 4,27,00,000 एकड़ से किया, जब वक्फ बोर्ड एरेडा दिया